एक हजार ऑफ़ बिजनेस इक्यासी एट स्कूल चैप्टर 1881 सौ 1890 हालांकि सामान्य परिवारों की तुलना में जी परिवार समृद्ध था लेकिन इसकी तुलना काव्या और पेगासस एंटरटेनमेंट से नहीं की जा सकती थी काव्या और पेगासस एंटरटेनमेंट दोनों के पास अरबों युवान से अधिक की संपत्ति थी जबकि जी परिवार के पास केवल करोड़ों युवाओं की संपत्ति थी जी हाउ दो तुम सिर्फ जी परिवार के एक नाजायज बेटे हो आपके पास मुझे परखने की योग्यता नहीं है जी हाउडोंग द्वारा आलोचना किए जाने पर जी जियाइंग ने अपना आपा खो दिया और उस पर हमला कर दिया जी जियाइंग द्वारा अपमानित होने पर जी हाउडोंग नाराज नहीं थे क्योंकि यह सच था कि वह जी परिवार का एक नाजायज बेटा था लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी वह जी परिवार का इकलौता बेटा था और जी परिवार लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व देता था अन्यथा जी परिवार उसे वापस नहीं लाता इसलिए देरसवेर जी परिवार की संपत्ति उसकी होगी भले ही मैं एक नाजायज बेटा हूँ मैं इकलौता बेटा हूँ और इसकी संपत्ति का एकमात्र वारिस हूँ इसलिए इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है यह हाउदोंग ने उत्तेजक मुस्कान के साथ कहा आप जी जींग गुस्से में थी यदि यह नाजायज बेटा नहीं होता तो जी परिवार की संपत्ति उसकी होती दुर्भाग्य से यह नाजायज बेटा अचानक सामने आ गया इस वजह से जी जींग जी, जी हाउदोंग से बेहद नफरत करती थी लेकिन उसने उसे मारने की हिम्मत नहीं की ठीक है मैं बस इतना ही कह सकता हूँ मुझे आशा है कि आप इसे ध्यान में रख सकते हैं या मुझे इसकी सूचना पिता को देनी होगी जी हाउडोंग ने कहा और जी जींग को पीछे छोड़ते हुए चले गए जी हाउडोंग जी जींग जी गुस्से में थी लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता उसका पक्ष लेंगे अब जी परिवार में उसकी कोई स्थिति नहीं थी जी जींग जी फिर से महिलाओं के कमरे में चली गई और तब तक बाहर नहीं आई जब तक उन्होंने खुद को संभाल नहीं लिया जब वह हॉल में वापस आई तो जीजियाइंग जी ने काव्या के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करना बंद कर दिया क्योंकि काव्या के रवैये ने उसे सब कुछ बता दिया था वह फिर से खुद को शर्मिंदा करने को तैयार नहीं थी ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था इसका एक कारण यह था कि जी जींग को काव्या द्वारा शर्मिंदा होने के बाद एक बार फिर उसे खुश करने पर बहुत गर्व था वैसे भी जी जीन ने अन्य सभी निर्देशकों और निर्माताओं के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करना बंद नहीं किया ऐसी स्थिति में आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति नापसंदगी नहीं दिखाएगा यहां तक कि अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे वे नापसंद करते हैं तब भी वे कम से कम सतही तौर पर विनम्र रहेंगे रात आठ बजे पार्टी खत्म हुई और सभी लोग एक एक करके चले गए उनके जाने से पहले काव्या चू पेहान के साथ पहले ही गायब हो गई थी उन्होंने अपने गाउन पहले ही उतार दिए क्योंकि अगर वे गाउन पहनकर अपने स्कूलों में वापस गए तो यह बहुत ध्यान देने योग्य होगा काव्या ने चू पेहान को पहले कैपिटल फिल्म वापस ले जाने की योजना बनाई फिर वह कैपिटल कैपिटल यूनिवर्सिटी क्योंकि वे शहर के केंद्र से हाईचिंग जिले की ओर गए थे वहां सुनसान सड़कों के साथ लंबी दूरी थी जब वे एक सुनसान सड़क पर हाईचिंग जिले की ओर जा रहे थे तो काव्या को अचानक दो किसानों की तेज हवा का एहसास हुआ वह अचानक चिंतित हो गई क्योंकि उसे चिंता थी कि लेंग शाउटिंग या जिंग युनियाओं का सामना जिंग परिवार के लोगों से हो सकता है हालांकि राजधानी में कई कृषक थे और वह गलत हो सकती थी काव्या अभी भी चिंतित थी क्योंकि उसे लेंग शाउटिंग और जिंग युनियाओं की परवाह थी इसलिए उसने कार सड़क किनारे खड़ी कर दी क्या गलत क्या कार में कोई समस्या है चू पेहान ने पूछा वास्तव में नहीं मुझे बस लगता है कि यहाँ की हवा काफी ताजी है हम घूमने क्यों नहीं जाते काव्या ने कहा जरूर मैंने आज रात थोड़ी शराब पी और मुझे अपना दिमाग साफ करने की जरूरत है चू पेहान ने कहा उसने नहीं सोचा कि यह कोई बुरा विचार था काव्या को गाड़ी चलाने की जरूरत थी इसलिए उसने पहले शराब नहीं पी थी लेकिन चू पेहान ने बहुत शराब पी थी इसलिए उसे वास्तव में अपना दिमाग साफ करने की जरूरत थी हालांकि यह जगह सुनसान थी चू पेहान बिल्कुल भी नहीं डरा काव्या बहुत मजबूत थी और वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी यदि कोई उन्हें चोट पहुंचाने का दुस्साहस भी करे तो भी उन्हें कोई हानि नहीं होगी इसलिए वे कार से बाहर निकल गए बाद में काव्या ने अपनी जेड़ आंखों का उपयोग यह देखने के लिए किया कि खेती करने वालों की हवा कहाँ से आती है उसे यह सुनिश्चित करना था पता चला कि दोनों काश्तकार सड़क से 200 मीटर दूर पहाड़ पर झगड़ रहे थे उनमें से एक लेंग शाउटिंग या जिंग युनियाओं नहीं था बल्कि जिंग जिनिंग था जबकि दूसरा स्पष्ट रूप से जिंग जिनिंग से उच्च स्तर पर था जब से उसने उन्हें देखा काव्या को कुछ करना पड़ा हालांकि बाढ़ ड्रैगन अब उसके पक्ष में नहीं था और वह हार सकती थी जिंग जीनिंग उसकी मदद कर सकती थी इसलिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए काव्या ने तुरंत एक पावर क्रिस्टल चू पेहान को दे दिया पिहान शराब के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए इसे ले लो आप मुझसे पहले गाड़ी चलाकर वापस आ सकते हैं मुझे अभी कुछ निपटने की जरूरत है बॉस यह एक सुनसान जगह है काव्या की बातें सुनकर चू पिहान हैरान रह गया वे अब एकांत स्थान पर थे काव्या को यहां क्या करने की जरूरत थी चूपेहान को चिंता और बेचैनी महसूस हुई मुझे अभी खबर मिली है कि एक भगोड़ा अपराधी इस पहाड़ की ओर भाग रहा है इसलिए मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ चिंता न करो मैं ठीक हूँ आप मेरी योग्यताओं को जानते हैं ठीक है काव्या ने बहाना बनाया लेकिन चुपेहान अभी भी चिंतित थी लेकिन वह यह भी जानती थी कि एक बार निर्णय लेने के बाद काव्या अपना मन नहीं बदलेगी उसने अभी जो भी कहा वह बेकार था ठीक है तुम्हें सावधान रहना होगा काम पूरा हो जाने पर मुझे संदेश भेजना न भूले जरूर काव्या ने कहा फिर तेजी से पहाड़ की ओर भागी उसकी गति ने चू पेहान को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि यह वास्तविक होने के लिए बहुत तेज थी काफी देर के बाद चू पेहान को होश आया बिना देर किए उसने कार में बैठने और जाने से पहले काव्या द्वारा दिया गया पावर क्रिस्टल वह अकेली थी इसलिए बेहतर होगा कि वह अब वहां न रुके यह सुरक्षित नहीं था हालांकि पहाड़ से 200 मीटर की दूरी थी काव्या 10 सेकंड के भीतर उन तक पहुंच गई एक बार जब कोई आ रहा था तो दोनों के बीच झगड़े का एहसास हुआ लेकिन उनका इससे बचने का कोई इरादा नहीं था जैसे ही वे रुके तो उनकी नजर काव्या पर पड़ी आप कौन है कृषक ने झुंझलाहट से काव्या की ओर देखा वह इस नश्वर की अविश्वसनीय गति से आश्चर्यचकित था आप यहां पर क्या कर रहे हैं जिंग जिनिंग काव्या को देखकर अचंभित रह गया फिर उसकी भौहें चढ़ गई क्योंकि उसे चिंता थी कि काव्या खतरे में हो सकती है जिंग जिनिंग की बातें सुनकर अजीब किसान को पता चल गया कि वह इस लड़की को जानता है आपकी मदद करने के लिए काव्या ने कहा हालांकि जिंग जीनिंग को पता था कि काव्या असाधारण रूप से मज़बूत थी और उसके पास जादुई कौशल था उसे एक ऐसे कल्टीवेटर का सामना करना पड़ रहा था जो उससे भी ऊंचे स्तर पर था काव्या ने जो कहा उसे सुनकर अजीब कृषक उस पर हंसा आप केवल एक साधारण व्यक्ति हैं आपका मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है वह महसूस कर सकता था कि काव्या स्थिर थी और उसे कुम्फू का अभ्यास करने की आदत थी लेकिन वह केवल एक नश्वर प्राणी थी जिसकी तुलना बमुश्किल उससे की जा सकती थी उनका मानना था कि काव्या ने ऐसा कहने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वे किसान हैं भले ही वह जिंग जिनिंग को जानती थी लेकिन शायद उसे उसकी असली पहचान के बारे में पता नहीं था मैं अकेले तुम्हें हरा नहीं सकता लेकिन अगर मैं उसका साथ दूं तो नतीजा अलग हो सकता है काव्या बड़े आत्मविश्वास से मुस्कुराई जिंग जिनिंग काव्या से सहमत थे हालांकि उनमें से कोई भी अकेले कृषक को नहीं हरा सकता था लेकिन अगर वे एक साथ काम करते तो स्थिति अलग होती इसके अलावा चूंकि काव्या पहले ही आ चुकी थी इसलिए उसके पास उसे भगाने का कोई कारण नहीं था भले ही वह अभी जाने को तैयार हो किसान शायद उसे जाने देने को तैयार नहीं होगा इसलिए जिंग जीनिंग ने कहा जरूर जिंग जीनिंग का उत्तर सुनकर किसान आश्चर्यचकित रह गया उसे काव्या से साधना की कोई अनुभूति नहीं हो रही थी लेकिन जिंग जीनिंग सहयोग करने के लिए तैयार हो गई साफ था कि ये लड़की कोई साधारण नहीं थी हालांकि उन्हें नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है वास्तव में यदि हां तो देखते हैं परिणाम क्या होगा किसान ने तिरस्कार के साथ कहा फिर बिना देर किए जिंग जीनिंग और काव्या पर हमला कर दिया जिंग जीनिंग और काव्या ने तुरंत जवाबी हमला किया कृषक जादुई शक्ति से एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे यदि काव्या वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति होती तो वह इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और किसी भी क्षण पीटा जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस समय काव्या को अब अपनी जादुई शक्ति को छिपाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी इसलिए उसने सीधे कृषक के खिलाफ लड़ने के लिए जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया जब जिंग जीनिंग और कल्टीवेटर को काव्या के शरीर से अचानक मजबूत जादुई शक्ति का एहसास हुआ तो वे दोनों चौंक गए उन्हें आश्चर्य हुआ कि काव्या ने अपने शरीर में इतनी मजबूत जादुई शक्ति छिपा रखी थी चूंकि वे चकित थे वे दोनों कुछ देर के लिए विचलित हो गए काव्या ने इस मौके का फायदा उठाया और बिजली की तरह कल्टीवेटर पर हमला कर दिया उसने कृषक के हृदय पर वार करने के लिए कांसे का खंजर निकाला अंधेरा था इसलिए उन्होंने काव्या के हाथों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसलिए उसके हाथ में अचानक आए खंजर से उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ पलक झपकते ही काव्या काश्तकार के सामने पहुंच गई इससे बचने की कोशिश में किसान को होश आया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी वह केवल अपने शरीर को झुका सका और जो खंजर उसके दिल में चुभने वाला था उसने उसकी बाह को हल्का सा काट दिया हालांकि काव्या ने खंजर में ठंडी जादुई शक्ति डाली और उसे बहुत तेज बना दिया आखिरकार वह एक उच्च स्तर के कल्टीवेटर का सामना कर रही थी इससे किसान को चोट लगी लेकिन चोट गंभीर नहीं थी क्या आप भी कृषक हैं मैं आपकी साधना के स्तर को महसूस क्यों नहीं कर सका कृषक ने आश्चर्य से पूछा उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि काव्या इसे छिपाने में सक्षम थी अगर काव्या में वह क्षमता होती तो वह उसे एक सेकंड में मार सकती थी जिंग जिनिंग को भी बहुत आश्चर्य हुआ लेकिन उसने इसके बारे में नहीं पूछा क्योंकि यह उपयुक्त समय नहीं था मुझे नहीं लगता कि मुझे उस सवाल का जवाब देना होगा काव्या ने ठंडे स्वर में कहा वह बिना रुके किसान पर हमला करती रही इस समय कल्टीवेटर और जिंग जिनिंग दोनों अपने होश में आ गए और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना जारी रखा वे तीनों जंगल में आगे पीछे घूमने लगे काव्या क्विंग नहीं कर सकती थी लेकिन वह अभी भी अपने पैरों की ताकत से तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम थी वह तेज भी थी लेकिन कल्टीवेटर जितनी फुर्तीली नहीं थी कृषक ने काव्या पर हमला करने के लिए आसपास की शाखाओं और पत्थरों को नियंत्रित किया लेकिन काव्या उन सभी से बच गई लड़ाई के दौरान काव्या ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके अपने आसपास की छोटी चीजों को नियंत्रित करना सीखा जैसे कि कल्टीवेटर कर रहा था हालांकि न तो जिंग जिनिंग और न ही कृषक को पता था कि काव्या ने लड़ाई से यह सीखा है जब जिंग जिनिंग अकेला था तो वह कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सका लेकिन काव्या के उसके साथ शामिल होने के बाद वे जल्द ही फायदे में थे इसके अलावा कृषक लड़ाई पर नियंत्रण खो रहा था किसान जानता था कि वह नुकसान में है और उनके साथ लड़ना जारी रखना व्यर्थ है इसलिए उसने जाने की कोशिश की लेकिन काव्या और जिंग जिनिंग का अभी उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था काफी समय के बाद कल्टीवेटर अंततः विफल हो गया और उसने वापस लड़ने की क्षमता खो दी जिंग जीनिंग यदि तुम मुझे मारोगे तो यिन परिवार निश्चित रूप से तुम्हें वापस भुगतान करेगा किसान ने कहा भले ही अब उसे जिंग जिनिंग ने पकड़ लिया था फिर भी वह काफी घमंडी था क्योंकि उसका मानना था कि जिंग जिनिंग ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की थी यह कृषक यिन परिवार का सदस्य था जो कृषक जगत के चार प्रमुख परिवारों में से एक था उनके पिता यिन परिवार के दूसरे बेटे थे और उनका नाम यिन शिक्सुन था यिन शिक्सुन यिन परिवार में काफी उत्कृष्ट थे इसलिए उनका अपने परिवार में एक महत्वपूर्ण स्थान था क्या आपको लगता है कि मैं यिन परिवार से डरता हूँ जिंग जिनिंग ने तिरस्कार के साथ कहा भले ही मैं तुम्हें अभी मार डालू किसी को भी इसका पता नहीं चलेगा आप शिक्सुन को भी इस समस्या का एहसास हुआ और वह एक पल में पीला पड़ गया क्या जिंग जिनिंग सचमुच उसे मारने वाली थी यदि जिंग जिनिंग ने वास्तव में उसे अभी मार डाला तो उसके पास वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी इसके अलावा तुमने पहले मुझे मारने की कोशिश की मेरे पास तुम्हें अभी जाने देने का कोई कारण नहीं है आपने यह भी सोचा था कि अगर आप मुझे यहाँ मार भी देंगे तो भी जिंग परिवार को इसका पता नहीं चलेगा क्या आपको लगता है कि मैं भूल गया हूँ कि आपने दस साल पहले मेरे साथ क्या किया था क्योंकि आप जानते हैं कि युनियाओं अभी भी जीवित है इसलिए मैं आपको जिंग परिवार को बताने नहीं दे सकता जिंग जिनिंग ने यिन शिक्सुन को देखते हुए जो उसका दुश्मन था ठंडे स्वर में कहा जिंग जिनिंग का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसने कई बार उसे मारने की कोशिश की थी इसके अलावा उन्हें पता चला था कि जिंग युनियाओं अभी भी जीवित था चार प्रमुख परिवारों ने गुप्त रूप से एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना कभी बंद नहीं किया अन्य सभी तीन प्रमुख परिवारों को जिंग युनियाओं के साथ जिंग परिवार के खराब संबंधों के बारे में पता था परिणामस्वरूप एक बार जब उन्हें पता चला कि जिंग युनियाओं अभी भी जीवित है तो वे निश्चित रूप से जिंग परिवार को खबर लीक कर देंगे क्योंकि वे जिंग परिवार को मुसीबत में देखना चाहते थे काव्या भी नाराज हो गई जब उसने सुना कि यिन शिक्सुन को पहले से ही पता था कि जिंग युनियाओं अभी भी जीवित है उसे यह भी यकीन था कि अगर यिन शिक्सुन आज रात जीवित रह सका तो वह जिंग परिवार को इसके बारे में बताएगा यदि ऐसा है तो लेंग शूटिंग भी खतरे में होगी जिंग युनियाओं मजबूत थी और वह बच सकती थी और खुद को बचा सकती थी भले ही वह जिंग परिवार के सबसे मजबूत सदस्य को नहीं हरा सकती थी इसके अलावा जिंग युनियाओं राजधानी में थे अगर उसे कोई खतरा आता है तो शामगुआन यांग उसकी मदद कर सकती है हालांकि लेंग शाउटिंग को अपनी नौकरी के कारण यात्रा करनी पड़ती थी इसलिए वह अधिक खतरनाक स्थिति में था भले ही लेंग शाउटिंग के पास फ्लड ड्रैगन था फिर भी काव्या उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी इसलिए वह यिन शिक्सुन को कभी भी जीवित नहीं रहने देगी जिंग परिवार को पता होगा कि जिंग युनियाओं अभी भी जीवित थी और लेंग शाउटिंग देरसबेर उसका बेटा था लेकिन लेंग शाउटिंग को मजबूत होने के लिए समय की जरूरत थी उसे मार डालो काव्या ने जिंग जिनिंग से कहा नहीं यिन शिक्सुन ने संघर्ष किया और चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था नहीं यह अभी आपके ऊपर निर्भर नहीं है यिन शिक्सुन अब हमारे बीच की दुश्मनी को खत्म करने का समय आ गया है जिन ने उपहास किया फिर अपना हाथ उठाया और यिन शिक्सुन के ऊर्जा केंद्र पर बड़ी जादुई ऊर्जा से प्रहार किया यिन शिक्सुन ने सदमे में अपनी आंखें गोल कर ली अगले ही पल उसका ऊर्जा केंद्र फट गया और उसकी खेती बर्बाद हो गई बाद में वह मर गया था काव्या ने यन शिक्सुन की खेती को अवशोषित करने के लिए राक्षस लोमड़ी को छोड़ने की योजना बनाई लेकिन जिंग जिनिंग की उपस्थिति के कारण उसने यह विचार छोड़ दिया उसे अपनी जादुई शक्ति दिखाने का पछतावा हुआ अगर उसने अभी राक्षस लोमड़ी को छोड़ दिया तो उसकी टेलीपैथिक आंख का स्थान भी उजागर हो जाएगा भले ही जिंग जिनिंग उसके साथ एक ही समूह में थी फिर भी उसे अपने रहस्यों को बनाए रखना चाहिए जिंग जिनिंग ने काव्या की ओर देखा वह उसे उसके शरीर के आसपास की जादुई शक्ति के बारे में पूछना चाहता था लेकिन उसे डर था कि यह उचित नहीं था काव्या जानती थी कि वह क्या सोच रहा है लेकिन उसका इस बारे में बात करने का कोई इरादा नहीं था इसलिए वह इसका जिक्र नहीं करेगी अंकल जिंग वह कौन है काव्या ने पूछा अभी अभी हुई उनकी बातचीत से उसे पता चला कि वह यिन परिवार का सदस्य था लेकिन उसे अधिक जानकारी नहीं थी जिंग जिनिंग ने कहा उनके पिता यिन परिवार के दूसरे बेटे हैं आज उसने मुझे युनियाओं को देखते हुए पकड़ लिया आओ चले काव्या ने कहा उसने उनकी नाराजगी के बारे में नहीं पूछा क्योंकि समस्या का समाधान पहले ही हो चुका था इसलिए अब यहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी काव्या और जिंग जिनिंग पहाड़ से नीचे चढ़ गए और जिंग जिनिंग ने काव्या के शरीर में जादुई शक्ति के बारे में कुछ नहीं पूछा और कैसे वह इसे उजागर होने से छिपाने में कामयाब रही दरअसल अगर वह काव्या से इस बारे में पूछता भी तो काव्या उसे सच नहीं बताती पहाड़ से नीचे जाते समय काव्या ने गाँव ही को फ़ोन करके उन्हें लेने के लिए कहा जब वे गाँव ही की प्रतीक्षा कर रहे थे काव्या ने चुपेहान को एक संदेश भेजा और उसे बताया कि उसका काम हो गया है और अब वह ठीक है चुपेहान को जाने के बाद चिंता थी इसलिए जब तक उसे काव्या का संदेश नहीं मिला तब तक उसे पूरी तरह से राहत महसूस नहीं हुई आधे घंटे में गांव ही आए और काव्या जिंग के साथ कार में बैठी किसान से लड़ाई के बाद काव्या अब थक चुकी थी इसलिए वह वापस अपने स्कूल नहीं गई इसके बजाय वह सेंचुरी सिटी गई जिंग जिनिंग ने शायद ही कभी राजधानी का दौरा किया था इसलिए इस शहर में उनका कोई निश्चित निवास नहीं था वह हमेशा होटल में ही रुकता था क्योंकि वह आज ही वापस आया था उसने कोई कमरा बुक नहीं किया था इसलिए काव्या ने उसे शेंगशी होटल में एक कमरा बुक करने में मदद की एक बार जब वह अपनी जगह पर वापस आई तो काव्या ने स्नान किया स्नान करने के बाद जब वह बाथरूम से बाहर निकल रही थी तो उसे लेंग शाउटिंग का फोन आया काव्या ने उसे बताया कि आज रात क्या हुआ था और उसे सावधान रहने की याद दिलाई लेंग शूटिंग को काव्या की सुरक्षा की भी चिंता थी लेकिन वह हर समय उसके साथ नहीं रह सकता था इसलिए वह उसे केवल सावधान रहने की याद दिला सकता था और जब भी उसे मदद की जरूरत हो तो मदद के लिए श्याम भवान यांग की ओर रुख कर सकता था जब काव्या लेंग शाउटिंग से फोन पर बात कर रही थी तो जिंग जिनिंग ने जिंग युनियाओं को भी फोन किया युनियाओं आपने जिस कृषक की खोज की है उसका नाम यिन शिक्सुन है इसके बाद मैं उनसे मिला जिंग जिनिंग ने कहा आज जब वे रेस्तरा में थे तो जिंग युनियाओं को कल्टीवेटर का आभास हुआ लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह यिन शिक्षुन था चूंकि कृषक बहुत ऊंचे स्तर पर था इसलिए वह स्वयं को आसानी से छिपा सकता था जिंग युनियाओं खुद को उजागर करने को तैयार नहीं थी इसलिए वह चली गई उस समय यिन को यकीन नहीं था कि उसने वास्तव में जिंग युनियाओं को देखा है या नहीं एक बार जिंग युनियाओं बाहर चला गया यिन शिक्सुन ने उसका पीछा किया लेकिन जल्द ही उसने उसे खो दिया परिणाम स्वरूप वह जिंग जीनिंग का अनुसरण करने के लिए लौट आया और जिंग युनियाओं ने झुंझलाहट में पूछा यदि यिन शिक्सुन ने जिंग परिवार को बताया कि वह अभी भी जीवित है तो लेंग शाउटिंग खतरे में पड़ सकती है उसे डर नहीं था कि जिंग परिवार उसे ढूंढ लेगा हालांकि क्योंकि लेंग शाउटिंग का स्तर अभी भी तुलनात्मक रूप से कम था उसे उच्च स्तर पर एक कल्टीवेटर द्वारा आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती थी भले ही लेंग शाउटिंग को फ्लड ड्रैगन की मदद मिली थी लेकिन फ्लड ड्रैगन का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था इसकी मदद से भी लेंग शाउटिंग खतरे में पड़ सकती थी इसलिए जिंग यूनियाओं अभी भी चिंतित थी मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी लेकिन मैं उसका मुकाबला नहीं कर सका सौभाग्य से काव्या वहां से गुजरी और उसने जादुई ऊर्जा की तरंगों को महसूस किया इसलिए वह मेरी मदद करने के लिए आई हमने यिन शिक्षु को मारने के लिए एक साथ काम किया मुझे नहीं पता कि यिन परिवार हमें ढूंढेगा या नहीं हमारे बीच लंबे समय से मनमुटाव है उसने मुझे मारने की भी कोशिश की है इसलिए उसे मरना पड़ा ताकि वह दूसरे लोगों को यह न बता सके कि तुम अभी भी जीवित हो जिंग जिन्हंग ने कहा उसने यह नहीं सोचा कि उसे यिन शिक्सुन को नहीं मारना चाहिए था वास्तव में यदि यिन शिक्सुन यह रहस्य रखने के लिए सहमत हो जाता कि जिंग युनियाओं अभी भी जीवित है तो जिंग जिनिंग ने उसे मारने का मन नहीं बनाया होता इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी यिन शिक्सुन ने पहले भी एक बार उसे जहर देने की कोशिश की थी लेकिन वह उस समय बच गया था वह जानता था कि यिन शिक्सुन ने ही यह किया था लेकिन उसके पास सबूत नहीं था उनका कोई मुकाबला नहीं था इसलिए उन्हें वर्षों तक इसे सहन करना पड़ा अप्रत्याशित रूप से उसे पता चला कि जिंग युनियाओं आज भी जीवित है और उसका पीछा किया काव्या की मदद से उसने अंत शिक्सुन को पकड़ लिया इसलिए उसके लिए उसे छोड़ना असंभव था यह जानकर कि यिन शिक्सुन मर गया था जिंग युनियाओं को राहत मिली ओह क्या आप जानते हैं कि हमें काव्या के शरीर से साधना की कोई हवा क्यों महसूस नहीं होती वह जादुई शक्ति को जारी करने और उसका उपयोग करने का प्रबंधन कैसे करती है जिंग जीनिंग ने पूछा उसने सोचा कि काव्या से पूछना अनुचित है इसलिए वह जिंग युनियाओं से पूछने लगा यह सुनकर जिंग जिंगयुनियाओं थोड़ा आश्चर्यचकित हुई लेकिन हैरान नहीं हुई क्योंकि वह जानती थी कि काव्या के पास कई रहस्य है हालांकि वह अधिक विवरण नहीं जानती थी काव्या साधारण नहीं हो सकती थी क्योंकि वह बाढ़ वाले अजगर को वश में करने में सक्षम थी मुझे नहीं पता लेकिन उसके पास कई रहस्य हैं। अगर वह हमें बताना चाहेगी तो वह इस बारे में बात करेगी यदि नहीं तो हमें इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए जिंग युनियाओं ने कहा जिंग युनियाओं की शांत आवाज़ सुनकर जिंग जिनिंग को एहसास हुआ कि वह काव्या के बारे में उसे कहीं ज्यादा जानती है जरूर जिंग जिनिंग ने कहा वह इस पर जिंग युनियाओं से सहमत थे लिंग शूटिंग के साथ कॉल के बाद काव्या सोने चली गई अगले दिन काव्या जल्दी उठकर अपने स्कूल चली गई क्योंकि जल्द ही भीड़ का समय होगा और ट्रैफिक जाम होगा काव्या ने गाड़ी नहीं चलाई बल्कि मेट्रो ले ली हालांकि व्यस्त समय के कारण मेट्रो में भी अत्यधिक भीड़ थी वैसे भी यह इतना बुरा नहीं था कि वह खुद को अंदर समेट सके सबवे स्टेशन से कैपिटल यूनिवर्सिटी उसे दूसरी लाइन पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी इसमें कुल मिलाकर लगभग पचास मिनट लगे जो कि उतना ही लंबा समय था जितना वह कार से सड़क पर बिता सकती थी हालांकि अगर वह सड़क पर ट्रैफिक जाम में फंस जाती तो उसे कार से जाने में अधिक समय लग सकता था जब काव्या अपने स्कूल के गेट पर पहुंची तो वह रोंग जेचिन से टकराई काव्या ने मूल रूप से यह दिखावा करने की कोशिश की कि अगर उसने उसे नोटिस नहीं किया तो उसने उसे नहीं देखा लेकिन किसी ने अचानक कहा क्या वह काव्या नहीं है जेचिन ने यह सुना तो वह उसकी ओर देखने लगा जेचिन के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी और वह तुरंत उसके पास चला गया हाय काव्या क्या संयोग है क्या आप स्कूल से बाहर रहते हैं उसने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया हालांकि पहले भी अप्रियता थी लेकिन इससे काव्या के प्रति जेचिन के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा इसके अलावा आखिरकार यह वे चौनक सुन की गलती थी इसलिए उसके पास काव्या के बारे में बुरा महसूस करने का कोई कारण नहीं था चूंकि रोम जेचेन उसका स्वागत करने आया था काव्या अब उसे अनदेखा नहीं कर सकती थी इसलिए उसने सपाट स्वर में उत्तर दिया वास्तव में नहीं जब मुझे बाहर किसी चीज़ से निपटने की जरूरत होती है तो मैं स्कूल वापस नहीं आती हूं यह सुनकर रोम जेचेन को काव्या के स्वामित्व वाली कंपनियों की याद आ गई तुम अवश्य ही बहुत व्यस्त होगे उसने उसकी परवाह करते हुए कहा काव्या पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस साम्राज्य भी चला रही थी जिससे उसके लिए व्यस्त न रहना असंभव हो गया हाँ काव्या ने कहा लेकिन उसने इसका आनंद लिया ओह पिछली बार वेई चुनक ने जो कहा उसके लिए मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए वह वा वास्तव में थोड़ा अहंकारी है रोमजेचे ने कहा वह जानबूझकर अपने दोस्त को बदनाम नहीं कर रहा था लेकिन वह वेई चौनक सुन के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था पिछली बार वेई चौनक सुन ने जो किया था वह वास्तव में अस्वीकार्य था यह पहले से ही इतिहास है मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया काव्या ने कहा उसने वे चुआनक सुन पर विशेष ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई रोम जेचेन अपने स्कूल में बहुत लोकप्रिय थे इसलिए उनके आते ही कई छात्र उनकी ओर आकर्षित हो गए उन्होंने काव्या के साथ उसकी बातचीत भी देखी और लड़कियों को ईर्ष्या हुई जीसस मुझे उस लड़की से बहुत ईर्ष्या हो रही है सीनियर रोम अपनी मर्जी से उससे बात करने गया हां काश मैं उसकी तरह होता मुझे उससे भी ईर्ष्या होती है वह बहुत सुंदर है वे एक साथ परफेक्ट दिखते हैं तो क्या हुआ सीनियर रोम एक शक्तिशाली परिवार से हैं एक साधारण लड़की उसके लायक नहीं है ठीक है वह केवल समान सामाजिक स्थिति वाले परिवारों के बीच ही विवाह करेगा मुझे लगता है कि केवल युवान शुयान ही सीनियर रोम का हकदार है मुझे नहीं लगता कि काव्या कोई बुरी पसंद है वह युवा और सफल है वह अब कई अत्यधिक लाभदायक कंपनियों की बॉस है मुझे यह स्वीकार करना होगा कि काव्या बहुत उत्कृष्ट है लेकिन रोम परिवार एक असाधारण परिवार है यह सामाजिक स्थिति की बहुत परवाह करता है इसके अलावा सत्ता हमेशा धन से अधिक मूल्यवान होती है जब तक कि यह एक शीर्ष अति अमीर परिवार न हो उनकी चर्चा सुनकर काव्या और रोम जेचिन दोनों नाराज हो गए काव्या अप्रसन्न थी लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें लगा कि वह रोम जेचिन के लायक नहीं है वह वास्तव में नहीं सोचती थी कि रोम जेचिन उसके लायक है इसके अलावा उसका आदमी जेचिन से कहीं बेहतर था वह बेवकूफ नहीं थी और वह रोंगजेचिन को पसंद नहीं करती थी वह रोंगजेचिन के साथ जुड़ने के लिए अनिच्छुक थी भले ही यह केवल एक अफवाह थी रोंगजेचिन नाराज था क्योंकि उसे अन्य लोगों को यह कहते हुए सुनना पसंद नहीं था कि युआन शुयान उसके लिए एकदम सही था अगर लोग उसके और काव्या के बारे में बात करते तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी जहां तक सामाजिक स्थिति की समस्या का सवाल है यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी लेकिन जब तक वह दृढ़ था तब तक उसका परिवार सहमत था आखिरकार काव्या बहुत उत्कृष्ट थी रोम जेचेन के पास यह विचार था क्योंकि उसके पास वास्तव में काव्या के बारे में अच्छी धारणा थी अन्यथा वह कई बार उसके साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश नहीं करता सीनियर रोम मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए मैं अनावश्यक परेशानी में नहीं पड़ना चाहती काव्या ने कहा उसके बाद उसने रोम जेचेन को पीछे छोड़ दिया और तेजी से चली गई रोम जेचेन को आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत उसका पीछा किया काव्या क्या युआन शुयान ने तुम्हारे साथ कुछ किया है वह जानता था कि युआन शुयान उसे पसंद करता था और युआन शुयान अन्य लड़कियों को उससे दूर रहने की चेतावनी देता था इसलिए काव्या के शब्दों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि युआन शुयान ने उसके साथ कुछ किया होगा अगर युआन शुयान ने अन्य लड़कियों को उससे दूर रहने की चेतावनी दी तो उसे इसकी परवाह नहीं थी लेकिन वह चाहता था कि काव्या उसके करीब रहे युआन शुयान में मुझे चोट पहुंचाने की कोई क्षमता नहीं है काव्या ने कहा मैं उबाऊ चीज़ों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती या उनसे प्रभावित नहीं होना चाहती फिर उसने रोमजेचेन को नज़रअंदाज कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गई यह सुनकर रोमजेचेन परेशान हो गया हालांकि वह समझ गया कि काव्या ने ऐसा क्यों कहा क्योंकि वे अभी केवल परिचित थे इसलिए रोमजेचेन ने काव्या का पीछा करना बंद कर दिया चूँकि उसने ऐसा कहा था अगर वह उसका पीछा करेगा तो वह उसे दुखी ही करेगा वैसे भी उसे और अधिक धैर्य रखने की जरूरत थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि क्या वह सचमुच काव्या को बहुत पसंद करता है हालांकि रोंग जेचेन काव्या को परेशान करने के लिए युआन शुयान से नाराज था वह युआन शुयान को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वास्तव में उससे नफ़रत करता था भले ही वह उसे पसंद करता हो लेकिन उनके परिवारों की सामाजिक स्थिति के बीच भारी अंतर को देखते हुए उनका एक साथ रहना असंभव था क्या युआन शुयान मूर्ख है या कुछ और क्या वह इतनी सरल बात नहीं समझ सकी युआन शुयान ने जल्द ही सुना कि रोंग जेचेन अपनी मर्ज़ी से काव्या से बात करने गया था कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि वे एक साथ परफेक्ट दिखते थे जो युवान शुयान की नज़र में पूरी तरह से अस्वीकार्य था उसने काव्या को परेशान करने का मन बनाया लेकिन उसे यह सब छोड़ना पड़ा क्योंकि वह जानती थी कि काव्या कमजोर नहीं थी इसलिए वह केवल गुस्से से भरी रह सकती थी लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी पूरी सुबह युआन शुयान गुमसुम था दोपहर के समय जी क्विंकिंग ने युआन शुयान के चेहरे पर अनुपस्थित भाव देखा इसलिए उसने चिंता से पूछा शुयान क्या हुआ आपकी नजर अनुपस्थित है क्या यह कुओं के कारण है क्यूयू परिवार के बारे में भयानक समाचार के कारण क्यूयू हंजियाओ कई दिनों से अनुपस्थित था हालांकि उन दोनों ने क्यूयू परिवार के साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए क्यूयू हंजियाओं आखिरकार उनके दोस्त थे वे उसकी मदद नहीं करेंगे लेकिन फिर भी उनके मन में उसके प्रति सहानुभूति थी क्यू परिवार के बारे में मामला आज सुबह सुलझा लिया गया पुख्ता सबूतों की वजह से क्यू लिनन को सालों जेल की सजा सुनाई गई हालांकि क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत कार्य थे क्यूयू परिवार और क्यूयू संगठन बच गए हालांकि घोटाला उजागर होने के बाद क्यूयू संगठन के शेयरों की कीमत में गिरावट आई जिसका इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा सौभाग्य से क्यूयू संगठन एक बड़ा व्यापारिक समूह था इसलिए यह आसानी से दिवालिया नहीं होगा वैसे भी स्टॉक की कीमत में भारी गिरावट ने इसे पहले ही अस्तव्यस्त कर दिया है क्यूँ संगठन में कई महत्वाकांक्षी लोग थे इसलिए क्यू लिनन के मुसीबत में पड़ने पर वे कार्रवाई करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे चेयरमैन की सीट के लिए कई महान योग्यता वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे हालांकि को लिनन का बेटा था लेकिन वह इस नौकरी के लिए योग्य नहीं था इसलिए क्यू परिवार इस समय काफी चिंतित था मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है युआन शुयान ने कहा मैं पहले से ही अपने व्यवसाय से परेशान हूं यह बेतुका लग रहा था लेकिन यह सच था यह सुनकर जी क्विंकिंग को नहीं लगा कि युआन शुयान ठंडे खून वाली थी क्योंकि उसका भी यही विचार था भले ही उसे क्वहंजियाओं के प्रति सहानुभूति थी फिर भी वह उससे प्रभावित नहीं होगी जब युआन शुयान और जी क्विंकिंग कैंटीन के दरवाज़े पर पहुंचे तो उन्होंने रोम जेचेन को देखा दरअसल रोम जेचेन जानबूझ कर युआन शुयान का इंतजार करने के लिए वहां गया था युआन शुयान रोम जेचेन को देखने के लिए उत्साहित थी लेकिन उसने अपनी भावनाओं को चेहरे पर दिखाने से इनकार कर दिया एक बार जब रोम जेचेन ने युआन शुयान को देखा तो वह उसके पास चला गया रोम जेचिन को अपनी ओर आते देख युआन शुयान घबरा गया और रोमांचित हो गया वह नहीं जानती थी कि रोंग रोंगजेचिन उससे क्यों मिलना चाहता था लेकिन वह उसे देखकर खुश थी उसने अपनी उत्तेजना दबा दी और ऊपर से शांत दिखी क्या तुमने काव्या को कोई परेशानी दी रोंग जेचिन ने बिना देर किए सार्वजनिक रूप से युआन शुयान से पूछताछ की यह सुनकर युआन शुयान नाराज और शर्मिंदा हुआ रोंग जेचिन आपका क्या मतलब है क्या तुम काव्या के लिए मुझसे मिलने आए थे क्या काव्या ने तुम्हें बताया कि मैंने उसे परेशान किया है ठीक है मैंने सोचा था कि वह एक विचारशील लड़की है लेकिन वह एक उपद्रवी निकली मैंने उसे कोई परेशानी नहीं पहुंचाई युआन शुयान गुस्से में था हालांकि वह काव्या से नफरत करती थी लेकिन उसने कभी भी काव्या को अपनी मर्जी से परेशान नहीं किया क्यों हंजियाओं ने काव्या की वजह से उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी लेकिन उसने यह काम खुद नहीं किया था इसलिए उसने नहीं सोचा कि उसे दोष लेना चाहिए युआन शुयान की आवाज़ धीमी नहीं थी इसलिए कई छात्रों ने इसे सुना और जल्द ही उनके मन में काव्या के बारे में बुरा प्रभाव पड़ा उन्होंने सोचा कि काव्या पाखंडी थी और उन्होंने युआन शुयान और रोंगजेचिन के बीच चीजों को भड़काने की कोशिश की युआन शुयान ने जो कहा उसे सुनने के बाद रोंगजेचिन गुस्से में दिखे क्योंकि युआन शुयान हर चीज के लिए काव्या को दोषी ठहरा रहा था मैंने यह नहीं कहा कि काव्या ने मुझसे ऐसा कहा था इसके लिए उसे दोष मत दो रोंगजेचिन ने गुस्से में कहा अगर उसने आपसे ऐसा नहीं कहा तो आपने मुझसे इस बारे में सवाल क्यों किया युआन शुयान ने उपहास किया उसका मानना था कि काव्या ने रोम जेचेन को बताया होगा कि उसी के कारण उसे परेशानी हुई है रोम जेचेन एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया ऐसा लग रहा था कि युआन शुयान ने वास्तव में काव्या को कोई परेशानी नहीं पहुंचाई थी हालांकि काव्या ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि युआन शुयान ने उसे परेशान किया था उसने कहा था कि युआन शुयान में उसे चोट पहुंचाने की कोई क्षमता नहीं थी जिससे रोम जेचेन को विश्वास हो गया कि युआन शुयान ने कम से कम काव्या को परेशान करने की कोशिश की थी बहुत बढ़िया मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा रोंग जेचेन ने कहा फिर वह मुड़कर चला गया भले ही उन्होंने युआन शुयान को गलत समझा था लेकिन उनका माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं था आखिरकार रोंग जेचेन का जन्म एक शक्तिशाली परिवार में हुआ था हालांकि वह सत्ता के अन्य उत्तराधिकारियों की तरह अहंकारी नहीं था फिर भी उसे अपने आप पर बहुत गर्व था इसलिए वह युआन शुयान से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं था भले ही उसने उसे गलत समझा हो युआन शुयान अधिक क्रोधित थी क्योंकि रोंग रोमजेचेन ने उसे गलत समझा था और माफी नहीं मांगी थी लेकिन फिर भी उसने इसके लिए काव्या को दोषी ठहराया शुयान रोंग जेचेन बहुत असभ्य है वह बिना किसी कारण के अचानक आपसे कैसे सवाल कर सकता है उन्होंने माफी भी नहीं मांगी जी क्विंकिंग भी रोंग जेचेन के रवैये से नाराज थे काव्या यह सब उसकी गलती है युआन शुयान ने दांत भींचते हुए कहा अगर वह काव्या को हरा सकती है तो वह उसे सबक जरूर सिखाएगी नाटक के कारण उनके स्कूल में काव्या के बारे में अफवाहें थी कुछ छात्रों ने इंटरनेट पर अपने स्कूल फोरम बारे में गपशप भी की बड़ी खबर रोम जेचेन आज काव्या के लिए युआन शुयान से पूछताछ करने गए थे उसने उससे पूछा कि क्या उसने काव्या को कोई परेशानी पहुंचाई है युआन शुयान ने इससे इनकार किया यह काव्या ही है जो उनके बीच चीजों को भड़का रही है वास्तव में मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता काव्या इतनी बुरी इंसान नहीं लगती किसी व्यक्ति को उसकी शक्ल सूरत से कभी मत आकीय युआन शुयान को रोम जेचेन पसंद था और काव्या को भी वह पसंद था काव्या को युआन शुयान से नफ़रत करनी चाहिए इसलिए उसने उनके बीच चीजों को भड़काने की कोशिश की सही है हालांकि काव्या पढ़ाई और व्यवसाय चलाने में उत्कृष्ट है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास मानक है सीनियर रोम ने कहा कि काव्या ने उन्हें नहीं बताया कि युआन शुयान ने उसे कोई परेशानी दी है सीनियर रोम काव्या को पसंद करता है इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसका बचाव किया क्या इसका मतलब यह है कि काव्या एक हिसाब किताब करने वाली लड़की है मैं अभी भी काव्या पर भरोसा करना चुनता हूं कोई गलतफहमी होगी भले ही युआन शुयान ने इससे इनकार किया हो कोई नहीं जानता कि क्या उसने वास्तव में काव्या को परेशान किया है वह पहले भी ऐसा कर चुकी है वह कभी भी अन्य लड़कियों को सीनियर रोंग के करीब रहना पसंद नहीं करती सही है युआन शुयान ने पहले भी ऐसा किया है इसलिए मैंने काव्या पर भी विश्वास करना चुना क्या कोई मुझे बता सकता है कि काव्या कौन है काव्या एक नई छात्रा है इस वर्ष पूर्ण स्कोर के साथ शीर्ष स्कोरर। यीशु पूर्ण स्कोर के साथ शीर्ष स्कोरर? यह अविश्वसनीय है हाँ यह अद्भुत है उसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी है वह कौजी की भी मालिक है क्या कौजी का बॉस बीस वर्ष से कम उम्र का छात्र है कौजी इस समय मेकअप उद्योग में काफी लोकप्रिय है इसका बहुत अच्छा असर होता है मैं एक वफादार प्रशंसक हूं कुछ लोगों ने युआन शुयान का समर्थन किया जबकि कुछ ने इस पर काव्या का पक्ष लिया शुरुआत में उनका समर्थन करने वालों की संख्या लगभग उतनी ही थी लेकिन धीरे धीरे वे काव्या के बारे में बात करने लगे कई विद्यार्थियों के मन में काव्या के प्रति बहुत प्रशंसा थी विशेषकर कौजी के प्रशंसकों के मन में उनमें से अधिकांश ने बिना शर्त काव्या का समर्थन किया वहीं कुछ छात्रों का मानना था कि काव्या गणना कर रही थी इसलिए उन्होंने कौजी उत्पादों का उपयोग बंद करने का वादा किया एक क्लास में इकोनॉमिक्स की क्लास ए थी कुछ छात्र छिपकर मोबाइल फोन खेलते थे और एक लड़की स्कूल स्कूल फॉरम थी और उसने काव्या के बारे में यह पोस्ट देखी काव्या की प्रशंसक होने के नाते वह तुरंत क्रोधित हो गई फिर खुद पर नियंत्रण खो बैठी और चिल्लाई वे काव्या के साथ इस तरह गलत कैसे कर सकते हैं उसके अचानक चिल्लाने से कक्षा के अन्य छात्र आश्चर्यचकित हो गए वे अपने मुख्य शिक्षक की कक्षा में थे और लड़की के चिल्लाने से उनके मुख्य शिक्षक का पाठ बाधित हो गया इसलिए उन्होंने झुंझलाहट से लड़की की ओर देखा हालांकि उन सभी ने सुना कि उसने कहा था कि कुछ लोगों ने काव्या के साथ गलत किया था बाद में वे काव्या की ओर देखने लगे काव्या ने भौहें सिकोड़ ली और जानती थी कि, कि किसी ने इंटरनेट पर उसकी बदनामी की होगी लिंजियू क्या हुआ उन्होंने किहांग ने काव्या पर विशेष ध्यान दिया इसलिए उन्होंने कक्षा में अपने फोन के साथ खेलने और नियमों की अवज्ञा करने के लिए लिंजियू की आलोचना नहीं की चूंकि यह काव्या के बारे में था उसने सोचा कि उसे इसके बारे में और जानना चाहिए श्री उसने किसी ने हमारे स्कूल के मंच पर काव्या पर यह कहते हुए हमला किया कि वह लिंग लिंगजियू को अचानक समझ नहीं आया कि इसे जोर से कैसे कहा जाए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह काव्या को बदनाम कर रही थी इसे खम करो काव्या ने कहा उम्मा वह व्यक्ति कहता है कि आपने रोम जेचिन को बताया था कि युआन शुयान ने आपको परेशान किया है इसलिए रोम जेचिन युआन शुयान से इस बारे में पूछताछ करने गया था हालांकि युआन शुयान ने इसका खंडन किया इसलिए हर कोई मानता है कि आप एक गणना करने वाली लड़की है और आप रोंग जेचेन को पसंद करते हैं इसलिए आपने रोंग जेचिन और युआन शुयान के बीच चीज़ों को भड़काने की कोशिश की ताकि रोंग जेचिन उससे नफ़रत करने लगे लिन जियू ने कहा यह सुनकर काव्या पागल हो गई वह कब से रोंग जेचिन को पसंद करने लगी थी इसके अलावा रोम जेचिन युआन शयान से यह सवाल करने क्यों गया कि क्या उसने उसे परेशान किया है अगर वह युआन शुयान से पूछताछ करने गया तो काव्या को कोई परवाह नहीं थी लेकिन वह इसमें शामिल होने को तैयार नहीं थी मूल रूप से उसके मन में रोम जेचिन के बारे में कोई बुरी धारणा नहीं थी लेकिन उसे उससे दूरी बनाकर रखनी पड़ी क्योंकि वह उसके प्रेमी के परिवार का दुश्मन था हालांकि अभी उसके मन में उसके बारे में बहुत खराब धारणा थी क्योंकि उसने उसे अनावश्यक परेशानी में खींच लिया था बिल्कुल नहीं मैं इस पर विश्वास नहीं करता मुझे काव्या पर भी भरोसा है हालांकि हमने युआन शुयान को काव्या को परेशान करते हुए नहीं देखा क्यों हांजियाओं ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान ऐसा किया है यह निर्विवाद सत्य है क्यों हंजियाओं युवा शुयान का करीबी दोस्त है युआन शुयान ने कुहजियाओं को काव्या को परेशान करने से नहीं रोका उसने कुहंजियाओं का बचाव भी किया इसलिए युआन शुयान को कुहंजियाओं के व्यवहार का समर्थन करना चाहिए वर्ग नेता लू कायक्सुआन ने अपनी राय देते हुए ऐसा कहा उन्होंने काव्या के साथ कुछ वक्त बिताया था वे एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे लेकिन उनमें से ज्यादातर काव्या की प्रशंसा करते थे इसलिए वे उस पर भरोसा करने को तैयार थे हालांकि कई महिला छात्रों ने काव्या का साथ देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे उससे ईर्ष्या करती थी लेकिन उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की काव्या तुम इस बारे में क्या सोचती हो उसने के ने काव्या से पूछा उसने काव्या पर भरोसा करना भी चुना लेकिन उसे अभी भी उसकी राय मांगने की जरूरत थी युआन शुयान के खिलाफ मेरे मन में मतभेद है लेकिन इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है यह बहुत व्यक्तिगत है इसलिए मैंने किसी और को नहीं बताया आपके साथ ईमानदार होने के लिए मेरे पास पहले से ही एक मंगेतर है इसलिए मेरे लिए रोम जेचिन को पसंद करना असंभव है ग्रेजुएशन के बाद मैं शादी कर लूंगा मेरा अन्य पुरुषों के साथ मित्रता से अधिक घनिष्ठ संबंध नहीं होगा इसके अलावा मैं केवल सीनियर रोम से कई बार मिला हूं हम परिचित नहीं हैं हमारी बस थोड़ी सी बातचीत हुई मुझे नहीं पता कि वह युआन शुयान से यह सवाल करने क्यों गया कि क्या उसने मुझे कोई परेशानी पहुंचाई है मैं निर्दोष हूं और मैं इससे नाखुश हूं इससे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है मैं गणना करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहता यह हास्यास्पद है काव्या ने कहा उसने अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाने की जहमत नहीं उठाई दरअसल वह थोड़ी पागल थी यह जानकर कि काव्या का पहले से ही एक मंगेतर था सभी को बहुत आश्चर्य हुआ हालांकि यह संभव था क्योंकि कुछ कॉलेज छात्र वास्तव में स्नातक होने से पहले लगे हुए थे काव्या का स्पष्टीकरण सुनने के बाद अधिक छात्र उस पर भरोसा करने लगे तो आप इसे कैसे संभालेंगे हे किहान ने पूछा कृपया चिंता मत करो मैं इससे ठीक से निपट लूंगी काव्या ने कहा यह बिल्कुल भी गंभीर बात नहीं थी और काव्या को परेशानी का सामना करना पड़ा था जो पहले से कहीं अधिक गंभीर थी बहुत बढ़िया हे किहंग ने कहा उसने इस बारे में और कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे विश्वास था कि काव्या इसे अच्छे से संभाल सकती है आखिर काव्या कोई आम लड़की नहीं थी चूंकि यह नाटक उनके स्कूल फॉरम गर्म विषय बन गया इसलिए अधिक से अधिक छात्रों ने इसे देखा हालांकि कुछ छात्रों ने इस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन उन्होंने अन्य छात्रों की बातचीत से इसके बारे में सुना इसलिए सोंग मियाओगे और बेली जोंबकसू ने जल्द ही इसे सुना और वे रोंग जेचिन पर भी क्रोधित हो गए उन्होंने काव्या के साथ काफी समय बिताया था और वे काफी करीब थे इसलिए वे काव्या को बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर जानते थे वे जानते थे कि काव्या बिल्कुल भी गणना नहीं कर रही थी इसके अलावा काव्या का पहले से ही एक मंगेतर था उसके लिए किसी अन्य पुरुष को पसंद करना असंभव था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काव्या का मंगेतर रोम जेचिन से कहीं अधिक उत्कृष्ट था वह रोम जेचेन को बिल्कुल नहीं चुनेगी रोम परिवार लेंग परिवार जितना ही प्रभावशाली था लेकिन रोम जेचिन की तुलना लेंग शाउटिंग से मुश्किल से ही की जा सकती थी लेंग शाउटिंग अनगिनत महान उपलब्धियों के साथ इतिहास में सबसे कम उम्र के मेजर जनरल रोम जेचिन अभी भी एक कॉलेज के छात्र थे यह अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता कि लेंग शाउटिंग रोंग जेचिन से अधिक उत्कृष्ट था समाचार जानने के बाद सोंग मियाओगे और बेली जोंगक्सू ने अपने विचक समूह में इसके बारे में बात की दोनों ने रोंग रोमजेचेन और उसके व्यवहार की आलोचना की काव्या भी गुस्से में थी लेकिन वह सोंग मियाओगे और बेली जोंगक्सू जितनी भावुक नहीं थी दरअसल वह उनकी प्रतिक्रिया से चकित थी उसने उन्हें सांत्वना भी दी और कहा कि वे इतने क्रोधित न हों वह इस बारे में रोंग रोमजेचेन से बात करने जाएगी सोंग मियाओगे और बेली जोंगक्सू ने रोंग रोमजेचेन को उसके साथ देखने का प्रस्ताव दिया काव्या सहमत हो गई उसके बाद सोंग म्याओगे और बेली जोम्बकसू ने अपने स्कूल फॉरम का बचाव किया लेकिन उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि काव्या की पहले से ही एक मंगेतर थी क्योंकि यह काव्या का रहस्य था जब सुबह की क्लास खुम हुई तो काव्या अपनी सहेलियों से मिलने कैंटीन की तरफ जाने लगी रास्ते में काव्या को कुछ निर्दयी नजरों का एहसास हुआ और उसने अपने स्कूल के मंच पर समाचारों के बारे में उनकी चर्चाएं सुनी काव्या ने उन पर ज्यादा ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई सोंग म्याओगे और बेली जोम्बक्सू से मिलने के बाद वे एक साथ कैंटीन गए उन्होंने रोम जेचेन और उसके दोस्तों को भी उनसे कुछ ही दूरी पर देखा मुझे उसे रोकने दो सॉन्ग मियाओगे ने उनकी ओर दौड़ते हुए कहा काव्या ने उसे नहीं रोका क्योंकि वह भी रोम जेचिन से मिलने जा रही थी सोंग मियाओगे आगे भागा और रोम जेचेन और उसके दोस्तों के रास्ते में खड़ा हो गया रोम जेचिन काव्या को तुमसे मिलने की जरूरत है सौंग मियाओगे ने निर्दयी स्वर में कहा वास्तव में वह कहा है रोम जेचिन ने उत्साह से पूछा जेचिन आप बिल्कुल भी दोषी नहीं लगते रोम जेचिन की प्रसन्न अभिव्यक्ति देखकर सोंग मियाओगे को गुस्सा आ गया और वह उस पर टूट पड़ा यह सुनकर जेचिन अचंभित रह गया उसे समझ नहीं आया कि सोम मियाओगे का मतलब क्या है आपका क्या मतलब है वे चौनक सुन ने इस समय निर्दयी स्वर में अपना मुंह खोला क्योंकि वह सोम मियाओगे के रवैये से नाखुश थे सोंग मियाओगे ने कुछ नहीं कहा और काव्या वहां चली गई काव्या तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो जेचिन स्पष्ट रूप से काव्या को देखने के लिए उत्साहित थे हालांकि काव्या ने झुंझलाहट से रोम जेचिन की ओर देखा उसने पूछा सीनियर रोम शायद आप चिंतित हैं कि युआन शुयान जो आपको पसंद करता है वह मुझे परेशान कर सकता है इसलिए आप उससे सवाल करने गए थे लेकिन मैंने आपको यह नहीं बताया कि युआन शुयान ने मुझे कोई परेशानी पैदा की है क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं पर विचार किया है आपने जो किया है उससे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है यह अब हमारे स्कूल फॉरम गर्म विषय है हर कोई मानता है कि मैंने तुमसे कहा था कि युआन शुयान ने मुझे परेशान किया है लेकिन वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया है लोग गणना करने के लिए मेरी आलोचना कर रहे हैं मैं काफी व्यथित महसूस कर रहा हूं क्या यह जानकर रोम जेचेन हैरान रह गया यह स्पष्ट था कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानता था माफ करें मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना बड़ा असर होगा मैंने सोचा कि युआन शुयान ने आपको परेशान किया है इसलिए मैं उससे इसके बारे में पूछने गया जेचिन ने तुरंत माफी मांगी वह वा वास्तव में अपने आवेपूर्ण व्यवहार के परिणाम से आश्चर्यचकित था भले ही आपने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी लेकिन इसने मुझे वास्तव में परेशान कर दिया है और मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है मुझे लगता है कि अब से बेहतर होगा कि हम अजन भी रहें मैंने तुमसे कहा था कि मैं अप्रासंगिक लोगों और चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहती काव्या ने कहा यह सुनकर रोंगजेचिन निराश हो गया उसका मानना था कि उसने काव्या के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था लेकिन उसने उसके प्रति उसके स्नेह को महत्व नहीं दिया जिससे रोम जेचिन ने उसके प्रति अपनी सकारात्मक भावनाओं को बदलना शुरू कर दिया काव्या जेचेन को केवल इस बात की चिंता थी कि युआन शुयान तुम्हें धमका सकता है इसलिए वह उससे इस बारे में पूछने गया था आप उसके प्रयास की कदर नहीं करते और इसके लिए उसे दोषी भी ठहराते हैं वे चौनक सुन पागल हो गए थे रोम जेचेन का बचाव कर रहे थे इस बार रोम जेचिन ने उसे नहीं रोका क्योंकि उसका भी यही विचार था काव्या ने भौहें सिकोड़ ली और अपना आपा खोने लगी कई लोग पहले से ही उन्हें देख रहे थे और वे चौनक सुन के चिल्लाने के बाद और अधिक लोगों ने उन्हें घेर लिया आज उनके स्कूल फॉरम बातचीत और गर्म विषय को सुनकर उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वे किस बारे में बात कर रहे थे जब उन्होंने काव्या की नाराजगी भरी अभिव्यक्ति देखी तो वे सोचने लगे कि क्या आज उनके स्कूल फॉरम सच है आप सॉन्ग म्याओगे गुस्से में था और फिर से कुछ कहना चाहता था लेकिन बेली जोमक्सियो ने उसे रोक दिया उन्हें इसे काव्या पर छोड़ देना चाहिए उनके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा सॉन्ग मियाओगे को भी इसका एहसास हुआ इसलिए उसने वेई चुनकसुन को घूरने के बाद अपना मुंह बंद कर लिया उसकी नज़र में वेई चुनकसुन रोम जेचेन से भी अधिक कष्टप्रद थी काव्या ने वेई च्वानकसुन की ओर उदासीनता से देखा जिससे वह डर से कांपने लगा वह काव्या की नजरों से बच नहीं सका क्योंकि उसकी नज़र इतनी चुभ रही थी कि वह किसी तरह डर गया था उन दर्शकों को नजरअंदाज करते हुए काव्या ने वे चौनक सुन से ठंडी आवाज में कहा मुझे इसे क्यों संजोना चाहिए मुझे पता है कि वह दयालुता के कारण युआन शुयान से पूछताछ करने गया था क्योंकि उसे चिंता थी कि वह मुझे धमका सकती है लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है आखिर में मुझे दोष क्यों लेना चाहिए क्या मैं इतने सारे लोगों द्वारा आलोचना किए जाने के लायक हूँ क्या मैं बदनामी से क्रोधित नहीं हो सकता क्या मुझे परिणाम स्वीकार करना होगा मैं चौनक सुन को यह सुनकर थोड़ा दोषी महसूस हुआ दरअसल काव्या ने कुछ भी गलत नहीं किया था लेकिन अंत में उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा किसी ने स्कूल फोरम में कहा कि मुझे सीनियर रोंग पसंद है इसलिए मैंने जानबूझकर सीनियर युवा और सीनियर रोंग के बीच चीजों को भड़काया ताकि सीनियर रोंग सीनियर युवा से नफरत करने लगे काव्या ने रोंग जेचिन से पूछा सीनियर रोंग क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या मैंने आपको बताया है कि सीनियर युवा ने मुझे कोई परेशानी दी है रोंग जेचिन चुप रहे उन्होंने काव्या के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि जवाब नकारात्मक था यदि उन्होंने सच कहा तो उन्हें सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि यह उनकी गलती थी हालांकि यह वास्तव में उसकी गलती थी वह इसे सबके सामने स्वीकार करने को तैयार नहीं था रोंग जेचेन की प्रतिक्रिया देखकर काव्या की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई वह जानती थी कि रोंग जेचेन स्वार्थी था और उसने केवल अपना चेहरा बचाने के लिए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया चूंकि उसने खुद को बचाने का फैसला किया काव्या ने उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जारी रखा सीनियर रोंग हम वास्तव में एक दूसरे से परिचित नहीं हैं भले ही हमने पहले एक दूसरे से बात की हो लेकिन वह केवल एक संक्षिप्त बातचीत थी यह असंभव है कि मैं सीनियर रोंग की प्रशंसा करूं हमारे स्कूल में सीनियर रोंग के अनगिनत प्रशंसक हैं लेकिन हर लड़की उसे पसंद नहीं करती इसके अलावा मेरी पहले से ही एक मंगेतर है मैं अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती हूं इसलिए मैं कभी किसी दूसरे आदमी को पसंद नहीं करूंगी यह जानकर हर किसी ने आश्चर्य से अपनी आंखें गोल कर ली उन्हें आश्चर्य हुआ कि काव्या का पहले से ही एक मंगेतर था यह अजीब तो नहीं था लेकिन काफी आश्चर्यजनक था रोमजेचेन शर्मिंदा था क्योंकि उसका मानना था कि काव्या उसे गंभीरता से नहीं लेती थी किसी तरह रोमजेचेन को काव्या पर गुस्सा आने लगा काव्या के और स्पष्टीकरण के कारण लोगों को पता चला कि वह उस तरह की लड़की नहीं थी जिसका वर्णन उनके स्कूल फॉरम में किया गया था वह पोस्ट जाहिर तौर पर उनकी मानहानि कर रही थी यह रोमजेचेन ही था जो अपनी मर्जी से युआन शुयान से पूछताछ करने गया था लेकिन इसके बाद काव्या के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई परिणामस्वरूप लोग रोंग जेचेन को अलग नजर से देखने लगे लेकिन किसी ने भी उनकी पृष्ठभूमि के कारण उनकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं की अचानक एक ठंडी महिला आवाज सुनाई दी लॉर्ड रोंग मुझे लगता है कि आपको इस नाटक का दोष लेना चाहिए चूंकि काव्या ने यह नहीं कहा कि युवा शुयान ने उसे कोई परेशानी पहुंचाई है इसलिए आपने अपनी मर्जी से युवान शुयान से पूछताछ करके उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है आपने दयालुता के कारण ऐसा किया लेकिन आपकी वजह से काव्या पर हमला हुआ क्या आपको उससे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए उसकी आवाज़ सुनकर काव्या को उसका चेहरा देखने से पहले ही पता चल गया था कि यह झांग ज़िकई ही होगा काव्या को याद नहीं था कि इस क्षण तक झांग जिकई भी कैपिटल यूनिवर्सिटी था हालांकि उसने अभी तक उसे नहीं देखा था और न ही उससे संपर्क किया था न ही झांग जिकई ने वैसे भी एक बार जब उसने जिकई के हाथ को पट्टियों में लिपटा हुआ देखा तो उसे पता चला कि वह घायल हो गई थी हालांकि झांग परिवार रोम परिवार जितना प्रभावशाली नहीं था लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि झांग जिकई इससे डरता था और न्याय के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था हर कोई झांग जिकई की बातों से सहमत था लेकिन फिर भी उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा आपके हाथ में क्या हुआ काव्या ने चिंता से पूछा हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं आइए अब आपकी समस्या पर ध्यान दे जिकई ने कहा उसे उस नाटक की अधिक परवाह थी जिसमें काव्या अभी शामिल थी क्योंकि वह घायल हो गई थी और उसका फोन खो गया था उसने काव्या का नंबर खो दिया था इसलिए वह काव्या से संपर्क नहीं कर पाई उसे आश्चर्य हुआ आज जब वह स्कूल आई तो उसने काव्या के बारे में खबर सुनी और गुस्से से भर गई जरूर काव्या ने फिलहाल इस बारे में और कुछ नहीं पूछा रोंग जेचे निश्चित रूप से झांग जिकई को जानता था लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि काव्या भी उसे जानती होगी हालांकि झांग परिवार रोंग परिवार जितना प्रभावशाली नहीं था और यह सत्ता का केवल दूसरे दर्जे का परिवार था जबकि रोंग परिवार सत्ता का एक शीर्ष परिवार था झांग ज़िकई के दादा सत्ता के एक अन्य शीर्ष परिवार से थे उनके परिवारों के बीच थोड़ा अंतर था लेकिन झांग जिकई रोंग परिवार से बिल्कुल भी नहीं डरते थे फ़िलहाल न तो झांग परिवार और न ही झांग जिकई के नाना का परिवार डेंग परिवार राजधानी के चार प्रमुख परिवारों के किसी भी गुट से संबंधित था हालांकि सत्ता के अधिकांश परिवारों ने पहले से ही किसी ताक़त का साथ देने का फ़ैसला कर लिया था सत्ता के परिवारों के लगभग चार दसवें हिस्से ने अभी भी ऐसा नहीं किया था चारों प्रमुख परिवार उन्हें अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन वे राजनीति की प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे चूंकि वे किसी ऐसी ताक़त को चुनने के लिए तैयार नहीं थे जिसका साथ दिया जाए वे दबाव में थे और उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन यह गंभीर नहीं था आख़िरकार वे कमज़ोर नहीं थे और उन्हें झुकना आसान नहीं था इसके अलावा चार प्रमुख परिवार एक दूसरे के खिलाफ़ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे इसलिए उनमें से किसी को भी कोई समस्या होने पर अन्य परिवार निश्चित रूप से हलचल मचा देंगे इसलिए उन्होंने जोरस बरदस्ती से ज्यादा रिश्वत देकर सत्ता के दूसरे परिवारों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की चार प्रमुख परिवारों के अलावा सत्ता के प्रथम श्रेणी के परिवार भी महत्वाकांक्षी थे परिणाम स्वरूप जिन लोगों ने उनमें से किसी के भी साथ जाना नहीं चुना था वे अपनी स्वयं की सेना बनाने के लिए तैयार थे हालांकि किसी ने भी झांग ज़िकई के समर्थन में जोर से कुछ नहीं कहा लेकिन उनके हावभाव से सब कुछ पता चल गया जिससे रोंग जेचेन को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई अगर उन्होंने अब माफी मांगी तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाएगा हालांकि अगर वह भाग गया तो उसकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा आप वे चौनक सुन ने रोंग जेचेन का बचाव करने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगा कि हर कोई रोंग जेचेन को काव्या से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर रहा था चुआनक सुन इससे पहले कि वे चुआनक सुन अपनी बात पूरी कर पाते जेचेन ने उन्हें रोक दिया वह इस बात से असंतुष्ट थे कि वे चुआनक सुन ने उन्हें बाधित किया वह जानता था कि वे चुआनक सुन उसका बचाव करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने वास्तव में काव्या के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी अगर उन्होंने अभी माफी नहीं मांगी तो भविष्य में उन्हें इससे भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है इसलिए नफा नुकसान का आकलन करने के बाद रोमजेचिन ने अपनी अनिच्छा दबा दी और काव्या से माफी मांगी मुझे क्षमा करें काव्या मुझे आपकी माफी मंजूर है अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए हम अब से अजन भी हो सकते हैं काव्या ने कहा इससे पहले कि रोम जेचिन उसे जवाब दे पाता वह अपने दोस्तों के साथ चली गई दर्शक भी एक के बाद एक चले गए जेचिन काव्या नाम की लड़की बहुत निर्दयी है आपने उसकी रक्षा करने की कोशिश की लेकिन वह आपकी दयालुता की बिल्कुल भी कद्र नहीं करती वही चौनक सुनने झुंझलाहट में कहा आप स्वयं भोजन करने जा सकते हैं अब मुझे भूख नहीं है अभी जो कुछ हुआ था उससे गुजरने के बाद रोम जेचिन की भूख हो गई वह काव्या को दोबारा कैंटीन में नहीं देखना चाहता था जेचिन वेई चुवानक सुन रोम जेचेन को जाने से रोकना चाहते थे लेकिन अन्य दो लड़कों ने उन्हें रोक दिया उसे कुछ देर अकेले रहने दो एक लड़के ने कहा यह सुनकर वेई चुवानकसुन ने रोम जेचिन का अनुसरण नहीं किया और वे एक साथ कैंटीन में चले गए काव्या को जेचिन की प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं है वे चौनक सुन शिकायत करते रहे चुनक सुन वास्तव में मैं इस पर आपसे सहमत नहीं हूं हालांकि जेचेन काव्या की भलाई के लिए युआन श्रुआन से पूछताछ करने गया था आखिरकार उसकी सहमति के बिना यह उसका अपना निर्णय है इसका काव्या से कोई लेना देना नहीं है लेकिन अंत में दोष काव्या को ही उठाना पड़ता है वह पीड़िता है जबकि जेचिन ने उसके लिए परेशानी खड़ी की है इसलिए जेचिन को माफी मांगनी चाहिए बॉय इन्हें कहा यह सुनकर वे चुवानक सुन भौचक्का रह गया वास्तव में वह भी इसके बारे में जानता था लेकिन उसने रोंग जेचेन का पक्ष लेना चुना क्योंकि रोंग जेचेन उसका करीबी भाई था इसके अलावा उन्हें रोंग जेचेन के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की जरूरत थी इसलिए उन्होंने बिना किसी कारण के रोंग जेचेन का बचाव किया उस मामले में एक बार जब उसने रोंग जेचेन के प्रति काव्या का बुरा रवैया देखा तो वह उस पर क्रोधित हो गया रोंग जेचेन सही थे या नहीं उन्होंने हर चीज के लिए काव्या को दोषी ठहराया सही है एक लड़की की प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है और काव्या भी एक सेलिब्रिटी है उसकी प्रतिष्ठा और भी महत्वपूर्ण है यदि यह क्षतिग्रस्त हो गया तो उसके व्यवसाय पर भी असर पड़ सकता है यह समझ में आता है कि वह पागल है ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो जीविकोपार्जन के लिए उस पर निर्भर है लड़के बी ने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पीड़िता है यह सुनकर वेई चुनक ने अपना मुंह बंद कर लिया लड़के ए और लड़के बी को वेई चुनक सुन का व्यवहार कभी पसंद नहीं आया लेकिन वे सभी जेचिन के दोस्त थे इसलिए जब तक वे इसमें शामिल नहीं होते तब तक वे आमतौर पर कुछ भी नहीं कहते थे वे चौनक सुन स्वार्थी था और उसे केवल अपने फ़ायदे और भावनाओं की परवाह थी जब काव्या और उसके दोस्त चले गए तो उसने सोम म्याओगे बेली जोमकसू और झांग जिकई को एक दूसरे से मिलवाया सोम मियागे और झांग जिकई दोनों उच्च समाज के सदस्य थे लेकिन वे अब तक एक दूसरे को नहीं जानते थे सोम म्याओगे अपना अधिकांश समय सैन्य शिविर में रही इसलिए वह केवल उच्च समाज के कुछ लोगों को ही जानती थी काव्या ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का परिचय दिए बिना उन्हें केवल उनके नाम बताए आखिरकार वे दोस्त बना रहे थे इसलिए उन्हें अपने दोस्तों की पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं थी काव्या को पता था कि झांग जिकई का परिवार सामान्य नहीं हो सकता लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी उसने इसके बारे में पूछने की भी जहमत नहीं उठाई अभिवादन के आदान प्रदान के बाद काव्या ने झांग जिकई से पूछा तुम्हें क्या हुआ यह सुनकर झांग जिकई ने अपने चेहरे पर स्पष्ट गुस्सा दिखाया नामांकन से कुछ दिन पहले मेरे पिता मुझे और मेरी माँ को अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिटी बाव ले गए हालांकि वापस लौटते समय हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक बड़े ट्रक ने हमें टक्कर मार दी हमारी कार एक नदी में जा गिरी सौभाग्य से हमें समय पर बचा लिया गया इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं हुई मेरी चोटें थोड़ी अधिक गंभीर थी मुझे हल्की चोट लगी और मेरा हाथ टूट गया इसलिए मुझे आधे महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा मुझे बाद में छुट्टी दे दी गई और एक सप्ताह तक घर पर आराम करना पड़ा अब मैं ठीक हूं इसलिए स्कूल आ गया हालांकि चूंकि मैं पानी में गिर गया था इसलिए मेरा फोन खो गया मैं भी आपसे संपर्क नहीं कर सका मैंने अपने पिता से सुना था कि कार दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश है उन्होंने मुझे विस्तृत जानकारी नहीं दी इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है झांग जिकई ने काव्या से सच्चाई को गुप्त रखने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसने काव्या को अपना दोस्त मान लिया था वैसे भी उसे कोई विवरण नहीं पता था जहां तक सोंग म्याओगे और बेली जोंबकसू का सवाल है चूंकि वे काव्या के दोस्त थे झांग जिकई का मानना था कि वे विश्वसनीय थे वैसे भी वे उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते थे इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी अगर वह उन्हें बताती कि उसके साथ क्या हुआ था झांग जिकई की बातें सुनने के बाद न केवल काव्या बल्कि सोंग म्याओगे और बेली जोंगक्सु भी पागल हो गए वे वास्तव में जानते थे कि योजनाएं असामान्य नहीं थी हालांकि काव्या को नहीं लगा कि उसे इस बारे में और कुछ पूछना चाहिए कैंटीन में व्यंजन ऑर्डर करने के बाद काव्या ने एक पावर क्रिस्टल झांग जिकई को दिया अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो इसे ले लो और तुम तेजी से ठीक हो जाओगे मुझे आप पर विश्वास है धन्यवाद काव्या झांग जिकई ने तुरंत काव्या के हाथ से पावर क्रिस्टल कर लिया क्या मैं इसे अभी ले सकता हूं झांग जिकई से पूछा जरूर कभी भी काव्या ने कहा इसके बाद झांग जिकई ने एक गिलास पानी तैयार किया उनकी राय में सभी दवाएं कड़वी थी इसलिए पानी के बिना वह इसे निगल नहीं सकती थी यह देखकर काव्या ने कहा मुंह में डालते ही यह पिघल जाएगा तुम्हें पानी पीने की जरूरत नहीं है यह सुनकर झांग जिकई ने चीनी मिट्टी की बोतल खोलने और पावर क्रिस्टल पहले पानी का गिलास नीचे रख दिया जादुई शक्ति को महसूस करते हुए बेली जोकस्यू की आंखें चमक उठी लेकिन जादुई शक्ति वाली इस गोली के बारे में उन्हें अधिक जानकारी नहीं थी उसे बहुत सावधान रहना होगा नहीं तो काव्या को उस पर शक हो जाएगा वाह मेरी जीप को छूते ही यह सचमुच पिघल गया इसके तुरंत बाद मुझे ठंड का एहसास हुआ लेकिन यह काफी आरामदायक था झांग जिकई ने आश्चर्य से कहा पावर क्रिस्टल बाद झांग जिकई को जल्द ही अपनी बाह में बदलाव महसूस हुआ उसके हाथ का दर्द अचानक दूर हो गया इसके अलावा उसका हाथ पहले बहुत कमज़ोर था लेकिन अब धीरे धीरे उसमें ताकत आ गई बिल्कुल नहीं यह बहुत प्रभावी है झांग जिकई ने सदमे में अपनी आंखें गोल कर ली उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था काव्या मुस्कुराई लेकिन बोली कुछ नहीं ठीक इसी समय युआन शुयान और उसके दोस्त काव्या के पास गए हालांकि युवान शुयान काव्या से डरती थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की इसके अलावा आज के नाटक में उनके साथ भी अन्याय हुआ क्योंकि आज सिर्फ काव्या ही आलोचनाओं के बीच नहीं थी युआन शुयान की भी कई लोगों ने आलोचना की थी हालांकि रोम रोमजेचिन की बमुश्किल आलोचना की गई थी काव्या क्या तुमने रोम रोमजेचिन को बताया कि मैंने तुम्हें परेशान किया है मैंने ऐसा नहीं किया तुमने उसे ऐसा क्यों कहा युआन शुआन ने गुस्से में काव्या से सवाल किया कैंटीन में कुछ लोगों को रोंग जेचेन के साथ काव्या की बहस के बारे में अभी तक पता नहीं था लेकिन उन सभी ने अपने स्कूल के मंच पर उन तीनों के बीच नाटक के बारे में सुना था इसलिए वे तुरंत काव्या को तिरस्कार और नापसंद के साथ देखने लगे वह काव्या है वह पढ़ाई और व्यवसाय चलाने में बहुत अच्छी है लेकिन उसका कोई नैतिक मानक नहीं है सही है हालांकि वह पढ़ाई और व्यवसाय चलाने में अच्छी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास मानक है आप ठीक कह रहे हैं सच्चाई सामने आने से पहले निष्कर्ष पर न पहुंचे शायद काव्या ने ऐसा नहीं कहा सही है मुझे नहीं लगता कि काव्या उस तरह की इंसान है उनकी चर्चा सुनकर सौंग मियाओगे और उसके दोस्त वास्तव में उनसे बहस करना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा दबा दिया क्योंकि वे जानते थे कि काव्या इसे संभाल सकती है हालांकि वे सभी नाराज दिखे युआन शुयान के सवाल का सामना करते हुए काव्या थोड़ा गुस्से में थी लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया क्योंकि वह जानती थी कि युआन शुयान भी एक पीड़ित थी मैंने नहीं किया आपके साथ ईमानदार होने के लिए मुझे नहीं पता था कि रोंग जेचिन आपसे पूछताछ करने गया था यह उनकी निजी हरकते थी मैं मतलब नहीं हूं इसके अलावा मैं सीनियर रोंग से परिचित नहीं हूं हम केवल कुछ ही बार मिले हैं और संक्षिप्त बातचीत हुई है मेरे लिए उसे पसंद करना असंभव है क्योंकि मेरा पहले से ही एक मंगेतर है मैं अपने मंगेतर से बहुत प्यार करता हूँ मैं कभी भी किसी दूसरे आदमी पर विशेष ध्यान नहीं दूंगी इसलिए सीनियर युवा मुझे लगता है कि आपको मेरे बजाय सीनियर रोंग से इस बारे में बात करनी चाहिए हालांकि काव्या कई बार कह चुकी थी कि उनका पहले से ही एक मंगेतर है लेकिन उनके सामने मौजूद लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी नतीजा ये हुआ कि ये सुनकर वो सभी हैरान रह गए उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह अस्वीकार्य है और बस आश्चर्यचकित रह गए चूंकि काव्या का पहले से ही एक मंगेतर था इसलिए उसके लिए किसी अन्य पुरुष को पसंद करना वास्तव में असंभव था उस मामले में यह रोम जेचेन का अपना विचार था कि काव्या उसे पसंद कर सकती है वहीं कुछ लोगों का विचार अलग था इसका कोई मतलब नहीं था भले ही काव्या का पहले से ही कोई मंगेतर था क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने शादी के बाद अपने पार्टनर को धोखा दिया इसके अलावा काव्या का मंगेतर ही था वो अभी अविवाहित थी भले ही कुछ लोगों का यह विचार था लेकिन उनमें से बहुतों ने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की हालांकि किसी ने अचानक बिना किसी डर के कहा तो क्या हुआ भले ही आपका कोई मंगेतर हो इसका कोई मतलब नहीं है कुछ लोग शादी के बाद भी अफेयर चलाते हैं यह एक महिला की आवाज थी जिससे काव्या परिचित थी यह सियाओ नाम की लड़की थी जिसे सिटी बी में गणित प्रतियोगिता में काव्या से शिकायत थी सियाओ को बहुत पहले से पता था कि काव्या भी कैपिटल यूनिवर्सिटी थी लेकिन उसे अब तक उसे देखने का मौका नहीं मिला था हालांकि उनके बीच मनमुटाव था सियाओ ने काव्या की कक्षा और छात्रावास के कमरे का पता लगाने की जहमत नहीं उठाई वैसे भी चूंकि वह अभी उससे मिली थी इसलिए वह काव्या को अपमानित करने का यह अच्छा मौका नहीं छोड़ेगी गीत सियाओ अपना मुंह बंद करो काव्या उस तरह की इंसान नहीं है झांग जिकई ने सियाओ के सामने आते ही उस पर तंज कसा युआन शुयान ने इस क्षण तक सोंग सियाओ और झांग जिकई पर ध्यान नहीं दिया था लेकिन वह उन दोनों को जानती थी युआन शुयान को आश्चर्य इस बात से हुआ कि काव्या झांग जिकई की दोस्त थी उसकी नजर में काव्या एक साधारण लड़की थी लेकिन काव्या लेंग शाओक्सी और झांग जिकई को जानने में सक्षम थी यहां तक कि रोम जेचेन की भी उस पर बहुत अच्छी छाप थी काव्या उच्च समाज के कितने लोगों को जानती थी ठीक है मैंने पिछली बार उसे सिटी बी में एक आदमी की लग्जरी कार से बाहर निकलते देखा था सियाओ ने कहा यह सुनकर कुछ लोग काव्या को अलग नज़रों से देखने लगे जबकि कुछ को वह कारण ठोस नहीं लगा काव्या बहुत अमीर थी इसलिए उसके पास लग्जरी कार और ड्राइवर हो तो बात समझ में आती थी ऐसा लगता है कि आपको यह बहुत स्पष्ट रूप से याद है लेकिन सिटी बी में आपने जो सबक सीखा था उसे मत भूलिए काव्या ने सपाट आवाज़ में कहा और निर्दयी आंखों से सौंगसियाओं पर ध्यान केंद्रित किया सौंगसियाओं को यह सोचकर डर लग रहा था कि पिछली बार काव्या ने उसे सिटी बी में हराया था फिर भी वह अब उस राजधानी में थी जहां उसका जन्म और पालन पोषण हुआ था इसलिए उसने यह नहीं सोचा कि काव्या ने यहां उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की इसलिए सियाओ ने साहस जुटाया यह राजधानी है क्या तुम तो मुझे यहां हराने की हिम्मत करते हो यदि तुमने मुझे फिर से चोट पहुंचाने का साहस किया तो मैं तुम्हें किसी भी समय कैपिटल यूनिवर्सिटी सकता हूं यह सुनकर सभी को एहसास हुआ कि सियाओ को काव्या से दुश्मनी थी और काव्या ने पहले भी एक बार उसकी पिटाई की थी साथ ही उनका यह भी मानना था कि काव्या को हराने के लिए सियाओ ने कुछ अस्वीकार्य कार्य किया होगा सियाओ के अहंकारी व्यवहार को देखते हुए यह देखना आसान था कि वह एक विशिष्ट बिगड़ेल अमीर उत्तराधिकारी थी वास्तव में मुझे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि आप मुझे कैपिटल यूनिवर्सिटी निकालेंगे लेकिन मेरे पास अभी आपके साथ बहस करने का समय नहीं है अगर तुम फिर से पिटना चाहते हो तो कोशिश करो काव्या ने धमकी भरे लहजे में कहा तुम काव्या की धमकी से सोंग सियाओ गुस्से में थी लेकिन उसे डर था कि काव्या के हाव भाव देखकर काव्या सच में उसे पीट देगी आखिरकार काव्या ने पहले भी एक बार ऐसा किया था इन दिनों उसने काव्या के बारे में भी बहुत कुछ सुना था इसलिए वह उसके प्रभाव और मार्शल आर्ट से परिचित थी परिणाम स्वरूप वह काव्या के साथ खिलवाड़ करने को तैयार नहीं थी अगले ही पल काव्या ने उसे नजरअंदाज कर दिया और युवा शुयान की ओर मुड़ गई वरिष्ठ युवान मेरा मतलब हर शब्द से है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं यदि आप अभी भी मुझ पर विश्वास करने से इनकार करते हैं तो मैं और कुछ नहीं कर सकता अब मेरा मूड बहुत खराब है इसलिए मुझे डर है कि अगर तुम तो मुझे परेशान करते रहे तो मैं नियंत्रण खो दूंगी इससे स्पष्ट धमकी कोई नहीं हो सकती अगर युवा शुयान अभी उसे परेशान करना बंद नहीं करेगी तो वह वास्तव में उसे हरा सकती है काव्या तुम बहुत आक्रामक हो काव्या की धमकी से युवान शुयान गुस्से में थी लेकिन उसने काव्या के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि काव्या उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी हालांकि उसकी नज़र में काव्या एक साधारण लड़की की तरह बहुत घमंडी थी क्या यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह लेंग शाउक्सी और झांग जिटे को जानती थी आक्रामक मैंने कभी भी अपनी मर्ज़ी से दूसरे लोगों को परेशानी नहीं पहुंचाई हर बार मैं ही पीड़ित थी काव्या ने अधीरता से कहा क्योंकि वह पहले से ही अपना धैर्य खो रही थी आप युआन शुयान गूंगी हो गई थी क्योंकि उसने वास्तव में कभी काव्या को अपनी मर्ज़ी से दूसरे लोगों को परेशान करते नहीं देखा था हालांकि वह मूल रूप से मानती थी कि काव्या ने रोम जेचिन के सामने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था काव्या ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका पहले से ही एक मंगेतर था जिससे युवा शुयान ने अपना मन बदल लिया सीनियर युवा यदि आप न्याय की तलाश करने के लिए दृढ़ हैं तो सीनियर रोम से इस बारे में बात करने जाए अभी अभी कैंटीन के बाहर मेरी उनसे मुलाकात हुई मैंने उनसे इस बारे में पूछा भी उन्होंने मुझसे माफी मांगी इसलिए आप चाहे तो मेरी जगह उनसे भी माफी मांग सकते हैं काव्या ने कहा युआन शुयान अभी भी कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे इसी क्षण रुकना पड़ा काव्या के स्पष्टीकरण के बाद अगर वह इसके लिए काव्या को दोषी ठहराती रही तो लोग उसकी आलोचना करना शुरू कर देंगे इसके अलावा युआन शुयान को वास्तव में डर था कि काव्या उसे हरा सकती है आखिरकार काव्या ने कुंजियाओं के साथ ऐसा किया था अच्छा अंत में युआन शुयान ने जाने से पहले अनिच्छा से नाक बहुत सिकोड़ ली एक बार जब युआन शुयान चला गया तो अन्य लोग भी चले गए लेकिन सॉन्ग सियाओ रुक गया क्या क्या तुम मुझे कोई कष्ट पहुंचाना चाहते हो बढ़िया मेरा मूड अभी खराब है और मुझे अपना गुस्सा निकालने का मौका चाहिए काव्या ने सॉन्ग सियाओ पर ध्यान केंद्रित करते हुए ठंडी आवाज में कहा ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी वक्त उसे पीट देगी आप यह देखकर सॉन्ग सियाओ तुरंत डर के मारे पीछे हट गया फिर भी काव्या के सामने झुकना उसके लिए बहुत अपमानजनक था इसलिए उसने फिर भी बहस की काव्या तुम मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करो मेरे पिता राजधानी के मेयर हैं क्या आपको लगता है कि आप जो चाहे कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पिता मेयर हैं काव्या ने जरा भी चिंता किए बिना मजाकिया अंदाज में पूछा काव्या को आश्चर्य नहीं हुआ कि की सोमसियाओं के पिता राजधानी के मेयर थे क्योंकि वह जानती थी कि की सोमसियाओं का परिवार शक्तिशाली था हालांकि राजधानी का मेयर केवल प्रांतीय और मंत्री स्तर का अधिकारी होता था राजधानी में इस पद को केवल मध्य से उच्च स्तर का माना जा सकता था और राज्य स्तर के अधिकारी उससे कहीं अधिक वरिष्ठ थे या तुम चलो चले और देखें मैं निश्चित रूप से तुम्हें इसके लिए पछतावा करवाऊंगा यह देखकर कि काव्या सरकार में अपने पिता की स्थिति से बिल्कुल भी नहीं डरती थी सोम सोमसियाओं घबरा गई वैसे भी काव्या ने युआन श्रुयान को धमकी देने की हिम्मत की चूंकि वह अपनी हिम्मत खो चुकी थी इसलिए वह जाने से पहले केवल काव्या को धमकी देने की कोशिश कर सकती थी जब अन्य छात्रों को पता चला कि सोम सोमसियाओं उनके मेयर की बेटी है तो सभी की आंखें आश्चर्य से घूम गई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काव्या को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था यह वास्तव में समझ में आने योग्य था काव्या ने युआन परिवार की बेटी युआन शुयान को धमकाने की हिम्मत की इसलिए यह असंभव था कि वह मेयर की बेटी से डरती हालांकि युआन शुयान युआन परिवार की संपार्श्विक शाखा की केवल बेटी थी युआन परिवार ने उसका समर्थन किया इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक मेयर की बेटी से अधिक महत्वपूर्ण थी हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि काव्या इतनी आत्मविश्वासी क्यों हो पाई कि उसने सत्ता के उन उत्तराधिकारियों को अपमानित करने का साहस भी किया ठीक उसी समय जब काव्या और उसके दोस्त अपने भोजन का आनंद लेने लगे लेंग शौक्सी ने अपने स्कूल फॉरम पढ़ने के बाद उसे फ़ोन किया काव्या ने संक्षेप में लेंग शौकसी को समझाया फिर लेंग शाउकसी ने सीधे उसे रोंगजेचेन से दूर रहने के लिए कहा ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लेंग शौक्सी काव्या के व्यवसाय में हस्तक्षेप करना चाहती थी बल्कि इसलिए क्योंकि वह रोंगजेचेन के व्यवहार से नाराज़ थी इसलिए जब लेंग शाक्सी ने काव्या को उससे दूर रहने के लिए कहा तो उसे असहज महसूस नहीं हुआ दरअसल उसे कभी भी उसके करीब होने का ख्याल ही नहीं आया था वह अतीत में उसे नमस्ते कहती थी लेकिन उसने भविष्य में दोबारा ऐसा न करने का फ़ैसला किया लेंग शौक्सी ने काव्या से भी पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है लेकिन काव्या ने मना कर दिया यह कोई बड़ी बात नहीं थी और यह जल्द ही बीत जाएगा कुछ ही समय में काव्या रोम जेचेन और युआन शुयान के बीच का नाटक उनके स्कूल में सभी को ज्ञात हो गया अधिकांश छात्र काव्या और युआन शुयान के पक्ष में थे और उनमें से कुछ ने उनसे माफी भी मांगी क्योंकि वे पीड़ित थे हालांकि बहुत से लोगों ने रोंग जेचेन की आलोचना नहीं की क्योंकि उन्होंने काव्या के लिए ऐसा करना चुना संक्षेप में यह एक ग्लफमी थी इसलिए लोग जल्द ही इसके बारे में भूल गए एक बार जब झांग जिकई को पता चला कि काव्या के छात्रावास के कमरे में एक खाली बिस्तर है तो उसने उनके साथ रहने का प्रस्ताव रखा और काव्या सहमत हो गई हालांकि सोंग मियाओगे और बेली जोंगकसू अभी अभी झांग जिकाई से मिले थे लेकिन वे सहमत हो गए क्योंकि झांग झांगजिकाई काव्या की अच्छी दोस्त थी दरअसल झांग जिकई के साथ कुछ समय बिताने के बाद उन्हें उनका किरदार भी पसंद आया झांग जिकई को दूसरे छात्रावास के कमरे में जाने से पहले उसे अपने मुख्य शिक्षक से सहमति लेनी पड़ी झांग जिकई की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके मुख्य शिक्षक असहमत नहीं होंगे इसलिए उन्होंने भोजन के दौरान अपने मुख्य शिक्षक को बुलाया और तुरंत सहमति प्राप्त कर ली दोपहर में सौम मियाओगे ने प्रशिक्षण नहीं लिया इसके बजाय वे झांग जिकई को उनके छात्रावास के कमरे में जाने में मदद करने गए झांग जिकई अब घायल हो गई थी इसलिए वह अकेले नहीं चल सकती थी हालांकि झांग जिकई ने काव्या द्वारा दिया गया पावर क्रिस्टल था और उसकी बाह काफी बेहतर हो गई थी लेकिन पट्टियों को हटाने के लिए उसे एक या दो दिन इंतजार करना पड़ा झांग जिकई का छात्रावास कक्ष काव्या की इमारत में एक ही मंजिल पर था लेकिन बीच में छह छात्रावास कमरे थे जल्द ही काव्या और उसके दोस्तों ने झांग जिकई को उनके छात्रावास के कमरे में जाने में सफलतापूर्वक मदद की खाली बिस्तर सबसे नीचे था जो घायल झांग जिकई के लिए बहुत उपयुक्त था